पहले हमने तीन एक्सपेक्ट रन की थी कि भाई आप हमने पाँच एक्सपेक्ट रन करिए। आप लोग देख सकते हो ये लुक वाइज कितनी एक सफिशियंट है, कॉम्पैक्ट मशीन है, इसमें सभी कुछ दिया हुआ है। जैसे कि मैं तीन यूनिट दिया है, सटीन यूनिट आप देख सकते हो, अब देख सकते हो इसका रोल दिया हुआ है, रैक रोल से माल सीधा चलने के अंदर जाता है। आप देख सकते हो इसमें डायरेक्ट रोल में माल जाके सीधा चलने के अंदर माल जाता है, और इसमें तीन जगह सटीन यूनिट दिया हुआ है। छिलका यहाँ से नहीं, छिलका खींचा गया तो यहाँ पर खींचा जाता है, फर्स्ट और सेकेंड और ये थर्ड। आप देख सकते हो कैसे डिजाइन है, ये देखिए यहाँ से साइक्लोन दिया हुआ है, ये ब्लोअर छिलका खींचता है, और ये साइक्लोन दिया हुआ अलग से। और ये सबसे एक बड़ी चीज है यहाँ पर दी हुई, हमने नई डिजाइन पूरी इंडिया में ऐसी मशीन किसने डिजाइन नहीं करी है, हमने डिजाइन करी है छोटे इसमें। अब ये देख सकते हो अब यहाँ से तो कितना छोटा सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, आदमी इजीली ऊपर चढ़ सके। ये देखिए इजीली बंदा यहाँ पर कोई भी मटेरियल डाल सकता है, यहाँ चेक कर सकता है कुछ मशीन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है, चेक कर सकता है इजीली, यहाँ पर बंदा उतर सकता है। मैं आपको थोड़ी देर में मशीन चालू करके दिखाता हूँ किस तरह मशीन चालू है, किस तरह मशीन चलती है। अब मैं आपको बताऊंगा मशीन में कौन कौन से पार्ट्स है और कैसे वर्किंग होता है। पहले हम ये ऊपर के माल डालते हैं, फिर ये रोल में जाता है, ये है गीली दाल मिल की जान, ये है गीली दाल मिल की हार्ट, इसके अंदर एमली रोल रहता है, इसके अंदर रोल को रोल घूमने के बाद में जो रोल जो दाल रहती है उसका टचिंग होता है, उसको छिलका निकल जाता है, और यहाँ पे जो हॉपर में माल जाता है, फिर ये हॉपर से माल होते हुए कंडे में जाता है, इसमें आपकी टुकड़ी निकलती है, इसमें ओवरफ्लो निकलता है, इसमें हम दोनों की फ्रेश दाल निकलती है, और इसमें ओवरफ्लो जो मटेरियल जो रहता है रोटा माल यहाँ से निकलता है। कुछ कस्टमर रहते हैं डायरेक्ट दाल रोके लेकर आते हैं, तो हम ये डायरेक्ट दाल यहाँ निकल जाती है, अगर हम प्रोसेस पर चलेंगे तो यहाँ से दाल निकलेगी, यहाँ से माल होते हुए ये वरम में जाएगा, वरम से पानी लगकर रोटा से माल निकल जाएगा। और ये है हमारा ब्लोअर, ये ब्लोअर छिलका खींचने के लिए दिया हुआ है, ये हमारा ब्लोअर छिलका खींचने के लिए दिया हुआ है, और यहाँ से छिलका खींचा जाता है, यहाँ से खींचा जाता है और ये साइक्लोन के थ्रू यहाँ जमा हो जाता है। आपने देखो बहुत सी मशीनों में कि यहाँ पे चार बोल्ट खोलो, बार बार इंजन करो, तकलीफ जाती जाली चेंज करने में, हमारा इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है और किसी की जाली चेंज हो जाती है। हम देख सकते हो यहाँ पर कुकिंग जैसा दिया हुआ है, जैसे इजीली हम जाने के लिए इजीली बंद कर सकते हैं, और इसमें कोई डस्ट का कोई टेंशन नहीं है, डस्ट इसी में कलेक्ट रहता है, डस्ट इसी में कलेक्ट हो जाता है, और डस्ट वो साइक्लोन के थ्रू निकल जाता है। मैं आपको कुछ थोड़ी देर में आपको मशीन चालू करके दिखाता हूँ, मैं कुछ मशीन चालू करके दिखाता हूँ आपको ये मशीन कैसे फंक्शन होता है, कैसे रोटेशन होता है। चलिए आपको
समझ में आ रहा है। होता है एयर कंट्रोल होता है।